दोस्तों आज मैं आपको पांच ऐसे पौराणिक जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका जन्म इन दानवों के समय नहीं हुआ। वेंडिगो, ये दानव सबसे पहले अमेरिकन पौराणिक कथाओं में लोगों के सामने आया, जो कि नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में रहता था। ये अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भी खा लेता था, चाहे वह इंसान हो या जानवर। ये दानव एक बुरी आत्मा थी जो पहले इंसान हुआ करती थी, लेकिन किसी श्राप की वजह से ये इंसान से दानव में बदल गया। ग्रूटसलैंग, इसके बारे में सबसे पहले जापान में सुना गया था, जिसका आधा शरीर मकड़ी का और आधा इंसान का था। जब भी कोई अकेला जंगल से गुजरता तो ये सुरीली आवाज निकालकर अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी और फिर उसे अपने द्वारा बनाए गए जाल में फंसाकर तड़पाकर मार देती थी। क्वालुपेलिक, ये इंसानों जैसे दिखने वाला जानवर है जो समुद्र के अंदर रहता है और लोगों के बच्चों को चुरा कर ले जाता है। जब भी ये दिखाई देता है तो उससे पहले लोगों को गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके आने की चेतावनी होती है। अगर कोई भी बच्चा उसकी वार्निंग पर ध्यान नहीं देता तो वो उसे उठाकर पानी में ले जाता, फिर बच्चे के पेरेंट्स उसे कभी नहीं देख पाते। हेमिट, इसे इजिप्ट का देवता अवनीस के साथ देखा गया था। जब भी किसी के दिल का वजन एक पंख के वजन से ज्यादा हो जाता है तो ये उसका दिल निकाल कर खा जाता है, जिसका सिर मगरमच्छ जैसा लगता है, जिससे इजिप्ट के लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। स्किन वॉकर, ये दानव कई रूप में देखा गया है, जैसे भालू, भेड़िया या फिर लोमड़ी के रूप में, जिसमें मैजिकल पावर होती है, जिसे लोग डायन भी कहते हैं। जो भी इंसान इसकी आंखों में देखता है तो वह सब कुछ भूलकर इसके वश में हो जाता है। ये वो देख सकता है और सुन सकता है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।